नमस्कार दोस्तों, ऑनटेक में आपका स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बताऊंगा रियलमी X7 के बारे में। गाइस रियलमी X7 में जो फाइनली जो रियलमी 2.0 का अपडेट आया है, मतलब जो बीटा यूजर थे उनके लिए आया है, तो उसके लिए मैं एक रिव्यू वीडियो पहले बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में लिंक दूंगा, उसको देख लो। और दूसरा ये वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ गेम स्पेस के बारे में, जो रियलमी का गेम स्पेस है रियलमी 2.0 का, इसमें क्या फीचर देखने को मिलता है, मतलब रियलमी X7 में देखते हैं क्या फीचर आता है, क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं गेम स्पेस में। तो पूरी वीडियो में आप बने रहना, पूरा गेम स्पेस का आपको मैं रिव्यू देने वाला हूँ, पूरी वीडियो में बने रहना। होगा इस वीडियो शुरू करने पहले वीडियो को एक लाइक नहीं करते तो एक लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास कौन सा डिवाइस है। तो जैसे कि आपको मैं पहले ही बता दिया रियलमी X7, तो यहाँ पे देख रहे हो अपडेट मैंने फाइनली रियलमी 2.0 का कर दिया। RMX 3092 है रियलमी X7 का मॉडल नंबर है। तो मैं आपको अबाउट फोन में भी जाकर दिखा दूँ एक बार कौन सा डिवाइस है, जैसे रियलमी X7 5G। और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर मैं पहले बता दिया RMX 3092। चलते गेम स्पेस, तो गेम स्पेस का क्या वर्जन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैं गेम स्पेस टाइप करता हूँ, पहले हम लोग वर्जन देख लेते हैं वर्जन क्या देखने को मिलता है। जैसे कि देख रहे हो 4.1.46 वर्जन देखने को मिलता है। चलते गेम स्पेस में, तो गेम स्पेस में क्या खास देखने को मिलता है आपको, तो पहले हम वापस सर्च मार के गेम स्पेस का देख लेते क्या खास देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैंने ओपन कर लिया, तो पहले जैसे ही लुक है, मतलब जो रियलमी 2.0 काफ़ी सारे यूजर को मिला है उनके जैसे ही लुक देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे भी सब सेम देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, सब सेम है। यहाँ पे देख रहे हो गेम सजेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे सब हेडिंग, मतलब काफ़ी सारे फीचर सेम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ऑटोमेटिक HGX रेडिएशन, ये कुछ नया देखने को मिलता है। मेरे को लगता है ये आपकी बैटरी को सेव करने का ऑप्शन ये देखने को मिलता है, और ये ब्राइटनेस लॉक आपको देखने को, ये ड्यूअल, ये सब सेम देखने को मिलता है। चलते गेम स्पेस के अंदर, तो गाइस चलते गेम स्पेस में क्या देखने को मिलता है आपको खास से। जैसे मैंने फाइनली ओपन कर दिया गेम स्पेस, मतलब गेम स्पेस के अंदर जाके मैं पबजी मोबाइल इंडिया में जाता हूँ, मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको साइड बार में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पहले जैसा जितने भी रियलमी 2.0 का अपडेट मिल गया जितनी भी डिवाइस में, सेम उसे फीचर देखने को मिलता है यहाँ पे। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे मैसेजिंग ऐप, व्हाट्सअप, ब्लॉक नोटिफिकेशन, रिजेक्ट कॉल, ब्लॉक नोटिफिकेशन, स्क्रीन शॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलता है ऑटो प्ले, रिजेक्ट कॉल, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, गेम फोर्स मोड, परफॉर्मेंस मोड। यहाँ पे आपको देखने को मैनेजर, बुलेट नोटिफिकेशन, ब्लॉक नोटिफिकेशन, व्हाट्सअप, स्क्रीनशॉट और गेम स्पेस। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, व्हाट्सअप ये सब तो आपको नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे बुलेट नोटिफिकेशन जैसे कि देख रहे हो पहले जैसे ये सब सेम देखने को मिलता है। यहाँ से आप इसको लाइटनिंग भी दे सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हो, जैसे कि आप देख रहे होगे। यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैनेजर और मैसेज का ऐप का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ब्लॉक नोटिफिकेशन होगा, यहाँ पे ब्लॉक नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आ पाएगा। यहाँ पे स्क्रीन शॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे स्क्रीन शॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर आप जाते हैं यहाँ पे ऑटो प्ले, तो आपको क्या मालूम ऑटो प्ले ऐसे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे वापस, तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट कॉल का ऑप्शन तो मालूम ही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी मालूम है, लेकिन गेम फोर्स गेम फोकस मोड ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये पहले वाले में भी आया है और काफ़ी सारे डिवाइस में भी देखने को मिलेगा। यहाँ से हम ऑन करेंगे तो ये तो आपका गेम्स पूरा फोकस, मतलब पूरा गेम पे ही रहेगा और किधर नहीं देखने को मिलेगा आपको, कुछ भी इधर कॉल वॉल कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कॉल वॉल कुछ भी नहीं आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मेरे को देखने को लगा, अगर आपको गेम लवर हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर है ये। तो यहाँ से आपको एग्जिट भी कर सकते हो, इसको पैक ले लोगे तो आप बाहर निकल जाओगे गेम से, गेम फोकस मोड पे। तो यहाँ पे ये फीचर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड का आपको यहाँ से डेडिकेटेड ऑप्शन दे दिया गया, देखो यहाँ पे देखो प्रो गेम मोड, ये भी बहुत अच्छा फीचर देखने को मेरे को लगा है। तो गाइस ये कुछ गेम स्पेस का ऑप्शन है रियलमी X7 में, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है रियलमी X7 में गेम स्पेस का ऑप्शन, मतलब जो जो फीचर्स आए, ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ ये छोटा मोटा चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन देखने को मिल गया है, प्रो गेम मोड, तो ये गाइस उसके पहले कुछ और नाम था और इधर नाम कुछ और अलग कर दिया गया है। तो गाइस ये छोटा सा वीडियो था, और एक बात बता दूँ कि मैं गेम स्पेस, ये वाले गेम स्पेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रियलमी 2.0 के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अपने रिक्स पे इसको डाउनलोड करना, क्योंकि कोई कोई गेम स्पेस चलता नहीं है। तो ये रियलमी X7 का मतलब अलग डिवाइस का, लेकिन रियलमी 2.0 इसको मिल चुका है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। तो आपको इसको डाउनलोड करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस में रन कर सकते हो कि ऑप्शन आता है कि नहीं, या ऐसा जैसा ऑप्शन मैं आपको बताया, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो फटाफट जाके देखो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हो, और जाके आप चेक कर लो।
तो गाइस ये छोटा सा वीडियो था गाइस, इतना था वीडियो में, और कुछ अपडेट वीडियो बना के दे दूंगा। इसके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और गाइस लाइक एंड कमेंट करके आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।